तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें पोकेमोन लैब सेंटर को दिखाया जाता है। इस वक्त इस लैब के अंदर मियो 2 के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेकिन अचानक लैब के अंदर तकनीकी समस्या हो जाने के कारण सब कुछ क्रैश हो जाता है और मियो 2 आजाद हो जाता है। जब मियो 2 आजाद हुआ तो वो बहुत ही गुस्से में था और वो बाहर जा करके एक कार के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहीं पर सीन कट होता है और हमें राय सिटी में टिम और रुद्र को दिखाया जाता है। रुद्र टिम से कहता है कि तुम भी एक पोकेमोन को पकड़ लो और तुम्हारा भी एक पोकेमोन दोस्त होना चाहिए। रुद्र के काफी ज्यादा करने के बाद टीम पोकेमोन को पकड़ने के लिए जाता है और उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन यहाँ पर जो पोकेमोन था वो टीम को अपना साथी नहीं चुनता है, वो उल्टा टीम के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वे दोनों ही वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद टीम के पास पुलिस डिपार्टमेंट का कॉल आता है और वो टीम को बताता है कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि पोकेमोन हमारे दुनिया के एक हिस्सा बन चुके हैं। आदि मानव पोकेमोन को पकड़ करके उनकी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी दुनिया बेहतर बनाने के लिए करते थे, लेकिन हॉवर्ड क्लिफोर्ड ने कई प्रकार के रिसर्च किए और उनका मानना था कि पोकेमोन और इंसान एक दूसरे के साथ हमदर्द बनकर के रह सकते हैं। और क्लिफोर्ड ने अपने रिसर्च में ये बात साबित भी किया है। आज राय सिटी में हर एक इंसान के पास उसका पोकेमोन है, उसका हमदर्द है। दूसरे प्रांतों में पोकेमोन जंगल में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर राय सिटी में पोकेमोन और इंसान एक दूसरे के साथ रहते हैं। जिस पुलिस ऑफिसर ने टिम के पास कॉल किया था, टिम उस पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है ताकि वो अपने पिता के सामानों को ले सके। यहाँ वो पुलिस ऑफिसर टिम को बताता है कि तुम्हारे पिता बहुत ही अच्छे डिटेक्टिव थे, वो एक रिसर्च पर स्टडी कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके कार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनके कमरे में बहुत सारे जरूरी सामान रखे गए हैं, तुम चाहो तो उन्हें देख सकते हो और उन्हें अपने साथ लेके जा सकते हो। जब टीम अपने पिता के लॉकर के पास जाता है, उस लॉकर को खोल ही रहा था तभी वहाँ पर लूसी नाम की एक लड़की आती है। लूसी एक न्यूज रिपोर्टर है और वो टीम से कहती है कि मैं काफी दिनों से इंतजार कर रही थी कि कौन इस लॉकर को खोलेगा। हैरी के हाथों में एक बहुत ही बड़ा सुराग लगा हुआ था, लेकिन अचानक ब्रिज से उनकी कार क्रैश जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तुम उनके बेटे हो और उनके बारे में तुम्हें बहुत कुछ मालूम होगा, तुम मुझे बता सकते हो। यह सब सुनने के बाद टीम साफ साफ कह देता है कि मैं सालों से अपने पापा के संपर्क में नहीं था और मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। टीम अपने पिता के कमरे में आता है और वहाँ के सामानों को देख रहा था, तभी उसे अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जिसके बाद टीम जाकर चेक करता है तो उसे एक पिकाचू यानी कि पोकेमोन दिखाई देता है और ये पोकेमोन टीम के पिता का साथी था। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह थी कि पिकाचू जो भी बोल रहा था उसे टीम बहुत ही अच्छे से सुन रहा था और समझ पा रहा था, जबकि और बाकी के पोकेमोन्स इंसानों से बात नहीं कर पाते, सिर्फ उनके साथ रहते हैं। अब यहाँ पर टीम पिकाचू को बात करता हुआ देख करके उसके पूरे तरीके से हिल जाता है, वो बहुत ही डर जाता है। और फिर टीम रोड पर आकर के तमाशा करने लगता है, वो सभी लोगों से कहने लगता है कि देखो ये मुझसे बात कर रहा है, ये बोल रहा है, लेकिन उसकी इस बात को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सभी लोगों को मालूम था कि पोकेमोन सिर्फ इंसानों के साथ रहते हैं, इंसानों से बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पर पिकाचू टीम को बताता है कि हम लोगों की अच्छी किस्मत है, शायद भगवान ने हम दोनों को चुना है, इसीलिए तो हम दोनों पार्टनर बनने वाले हैं, क्योंकि हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर टीम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसके बाद पिकाचू कहता है कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे ये दिया था, और फिर यहाँ पर टीम को मालूम चलता है कि ये उसके पापा का पोकेमोन साथी है। अब यहाँ पर पिकाचू टीम को बताता है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो उसके कुछ समय बाद मुझे होश आया, लेकिन मैं सब कुछ भूल चुका था। इस टोपी में हैरी का नाम और उसका एड्रेस था, जिसके बाद मैं उस फ्लैट पर पहुंच गया और मेरी मुलाकात तुमसे हो गई, और अब हम दोनों को मिल करके हैरी को ढूंढना है, क्योंकि उसके पास ही सभी सवालों का जवाब है। जिसके बाद टीम बताता है कि तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, हैरी यानी कि मेरे पिताजी की अब मौत हो चुकी है। जब पिकाचू इस बात को सुनता है तो वो पूरे तरीके से चौंक जाता है और इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद पिकाचू कहता है कि ना ही उनकी लाश मिली है और ना ही उनके बारे में किसी को मालूम चला है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि उनकी मौत हो गई है। मैं उन पर छानबीन करूंगा और पूरी सच्चाई जानकर रहूंगा कि आखिर बात क्या है। और तभी टीम कहता है कि कल मैं एक न्यूज रिपोर्टर से मिला जो पापा पे छानबीन कर रही थी, वो लड़की शायद हमारी कोई हेल्प कर सकती है। जिसके बाद टीम और पिकाचू दोनों मिल करके लूसी के पास जाते हैं और लूसी से बात करते हैं। यहाँ टीम लूसी को बताता है कि मुझे अपने पिता के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। लूसी हैरी के केस पर स्टडी कर रही है, इसके बारे में किसी को नहीं मालूम था और वो नहीं चाहती थी कि किसी को मालूम चले। जिसके बाद लूसी इन सबको बताती है कि जब मैं छानबीन करने के लिए डॉक्स पर गई तो मुझे मालूम चला कि वहाँ पर हैरी का एक खबरी रहता है, अब वहाँ पर अकेले रहना ठीक नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गई। जिसके बाद पिकाची और टीम दोनों मिल करके डॉक्स पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद हैरी के खबरी से मिलते हैं। अब यहाँ पर हैरी का पोकेमोन खबरी पहले तो बहुत भौंक आता है, उसके बाद इन लोगों को बताता है कि राउंड हाउस में आर बनता है, और यह बताने के बाद ये दोनों ही राउंड हाउस के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद टीम उस राउंड हाउस के ओनर जैक से मिलता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने पिता के बारे में छानबीन करने के लिए आया हूँ, उनके बारे में मुझे कुछ जानना है। तो यहाँ पर जैक कहता है कि पहले तुम्हें अपने पोकेमोन को मेरे पोकेमोन के साथ भिड़ाना होगा, तभी मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। जब ये दोनों पोकेमोन आपस में भिड़ रहे थे तभी गलती से जैक वहाँ पर गिर जाता है और उसके पास आर की बहुत सारी शीशियां थी जो वहाँ पर गिर करके पूरी तरीके से फैल जाती हैं। इन शीशियों में जहरीली गैस भरी हुई थी जो पोकेमोन पर ही असर करता है, अगर इस गैस को पोकेमोन सूंघ लेते हैं तो वो अपने आप पर से आपा खो बैठते हैं, वो
पूरी तरह से बौखला जाते हैं यानी कि पागल हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच टीम जैक से कहता है कि बताओ तुम्हें क्या मालूम है। जैक बताता है कि जिसकी तुम्हें तलाश है वो आर कार से मिलता है और वो एक डॉक्टर है, मुझे इतना ही मालूम है। अब इस जगह पर तोड़ फोड़ शोर शराबा बहुत ज्यादा हो गया था, इसी वजह से यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो टीम को उठा ले जाती है। लेकिन हैरी का दोस्त थॉमस टीम को छुड़ा लेता है और वो टीम से कहता है कि तुम यहाँ से वापस अपने घर पर चले जाओ। जिसके बाद टीम कहता है कि मेरे पापा का पोकेमोन अभी जिंदा है, यानी कि मेरे पापा भी अभी जिंदा है, अगर हम छानबीन करेंगे तो हमें कोई न कोई सबूत जरूर मिलेगा और मेरे पापा भी मिल सकते हैं। जिसके बाद थॉमस मजबूरन टीम को वो क्लिप दिखाता है जिस क्लिप में हैरी के कार का एक्सीडेंट हुआ था। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद किसी का भी बचना बहुत ही नामुमकिन है। अब टीम को पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद टीम बहुत ही उदास था क्योंकि टीम अपने पिता के साथ ज्यादा टाइम बिता नहीं पाया था। और तभी इनके पास एक कार से एक लड़की आती है और इन लोगों को क्लिफोर्ड के पास लेके जाती है। यहाँ क्लिफोर्ड टीम को बताता है कि हैरी मेरे ही केस पर स्टडी कर रहा था, मैं एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहा था जिसमें पोकेमोन और इंसान दोनों साथ में रह करके प्रगति कर सके, लेकिन मेरे बेटे राजोर को पोकेमोन बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और जब मैं अपाहिज हुआ तो मेरे जितने भी सूत्र थे वो सब कुछ राजोर ने अपने हाथों में ले लिया। पुलिस मीडिया न्यूज सब कुछ उसके हाथों में और मुझे हैरी के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हैरी को ढूंढो। जिसके बाद टीम कहता है कि शायद आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं मेरे पिताजी की मौत हो गई है। तो क्लिफोर्ड कहता है कि नहीं, तुम्हारे पिताजी की मौत नहीं हुई है, वो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद क्लिफोर्ड टीम को होलोग्राम के थ्रू हैरी के कार के एक्सीडेंट को दिखाता है और उन्हें बताता है कि जब तुम्हारे पिता की एक्सीडेंट हुआ तो वो जिंदा थे। उनका शरीर पुलिस वाले को इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनके शरीर को मियो 2 ने अपने साथ लेके चला गया था और अब तुम्हें पता करना है कि आखिर मियो 2 ने तुम्हारे पिता को कहां पर लेके गया है। उसके बाद टीम एक बार फिर से लूसी से मिलता है और फिर यहां लूसी टीम को बताती है कि जब मैंने क्लिफोर्ड के कंप्यूटर में उसके प्रॉपर्टीज को चेक किया तो मुझे ये मिला। ये एक PCL है यानी कि पोकेमोन सेंटर लैब। इस जगह पर गैर कानूनी तरह से पोकेमोन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम है। और इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते PCL में एक्सीडेंट हुआ था और उसी रात तुम्हारे पिता का भी एक्सीडेंट हुआ था। अगर हमें इन सब के बारे में जानना है तो हमें खुद वहां पर जाकर के इन सब के बारे में तहकीकात करना होगा। जिसके बाद ये सभी लोग चोरी चुपके उस लैब के अंदर पहुंच जाते हैं जहां टीम देखता है कि वहां पर एक कंप्यूटर ऑन था, उसकी फाइलें करप्ट हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही टीम उसमें से एक बटन को दबाता है तो वहां पर होलोग्राम वीडियो प्ले होने लगता है और सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है और इस होलोग्राम में टीम अपने पिता को भी देखता है। और फिर यहां पर इन लोगों को मालूम चलता है कि हैरी ने ही मियो 2 को पकड़वाने में इन सब की हेल्प किया था और इसीलिए मियो 2 ने हैरी को अगवा किया उससे बदला लेने के लिए। अब जैसे ये लोग लैब से बाहर निकलने वाले थे उससे पहले इन लोगों के ऊपर पोकेमोन्स हमला कर देते हैं, मगर उसके बावजूद भी ये लोग अपनी जान बचा लेते हैं और भाग करके जंगल में आ जाते हैं। मगर यहाँ जंगल में भी इनके साथ बहुत ही अजीब तरह से दुर्घटनाएं होने लगती हैं। अब किसी तरीके से ये लोग अपनी जान बचा तो लेते हैं लेकिन यहाँ पर पिकाचू को बहुत ही गहरे चोट आ गया था, वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था, वो मरने वाला था लेकिन यहाँ पर टीम उसे मरने नहीं देना चाहता था। और तभी यहीं पर कुछ पोकेमोन्स आते हैं जो पिकाचू और टीम को अपने साथ एक जगह पर लेके जाते हैं और तभी यहाँ पर एंट्री होती है मियो 2 की। मियो 2 यहाँ पर पिकाचू की जान बचाने के लिए आया था। जिसके बाद मियो 2 कहता है कि सौदे के मुताबिक तुम इसे मेरे पास लेके आए, जब मैं लैब के अंदर बंद था तो पिकाचू ने मेरी हेल्प किया था, पिकाचू की वजह से मैं आजाद हो पाया था लैब से। इंसान मतलब ही होते हैं लेकिन मुझे पोकेमोन्स के ऊपर पूरा विश्वास था। अब मियो 2 आगे कुछ बता पाता उससे पहले यहाँ पर रोजर और उसके आदमी लोग आ जाते हैं और मियो 2 को अपने टेक्नोलॉजी में कैद कर लेते हैं। इधर पिकाचू भी टीम से मुंह मोड़ लेता है, वो टीम से कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं इंसानों को धोखा देता हूँ, मैंने तुम्हारे पिताजी को धोखा दिया है और मैं तुम्हें भी धोखा दे सकता हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर चले जाओ। यह कहने के बाद पिकाचू टीम से अलग हो जाता है और कहीं दूर चला जाता है। इधर रायन सिटी में पोकेमोन परेड डे मनाया जा रहा था, पोकेमोन का 10वीं सालगिरह। पिकाचू चलते चलते उस ब्रिज के पास आ गया था जहां पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि हैरी की गाड़ी का। और यहां पिकाचू को ऐसा सबूत मिलता है जिससे उससे मालूम चलता है कि रोजर हैरी को मरवाना चाहता था और मियो 2 इन लोगों की जान को बचाना चाहता था और इन सभी के पीछे हॉवर्ड क्लिफोर्ड का हाथ है। अब यहां पर पिकाचू सब कुछ समझ चुका था और वो टीम को रोकने के लिए जाता है, लेकिन यहां पर टीम पहले से ही क्लिफोर्ड के पास पहुंच चुका है। टीम क्लिफोर्ड से कहता है कि मियो 2 यहीं पर है आपके बेटे के पास और तभी क्लिफोर्ड मियो 2 को बाहर निकालता है। क्लिफोर्ड मियो 2 के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। क्लिफोर्ड अपने दिमाग को मियो 2 के अंदर जिंदा करना चाहता था, यानी कि शरीर मियो 2 का रहेगा और मियो 2 के अंदर जो दिमाग है वो क्लिफोर्ड का रहेगा। और इस एक्सपेरिमेंट में क्लिफोर्ड सफल हो जाता है, वो मियो 2 के दिमाग को अपने वश में कर लेता है और मियो 2 को अपने हिसाब से चलाने लगता है। यहाँ क्लिफोर्ड जो कि अब मियो 2 बन चुका है वो टीम से कहता है कि यहाँ रायन सिटी में जितने भी इंसानों के पास पोकेमोन्स हैं, मैं उन सभी पोकेमोन्स के शरीर में इंसानों के शरीर को डाल दूंगा ताकि रायन सिटी में सिर्फ पोकेमोन का राज हो। उसके बाद क्लिफोर्ड सभी लोगों के सामने आता है और सभी लोगों से कहता है कि आज से इंसान और पोकेमोन एक रूप हो जाएंगे, सभी लोग साथ रहेंगे। यह
रहने के बाद क्लिफोर्ड उन सभी जहरीली गैस को छोड़ देता है, जिससे सभी इंसान अपने अपने पोकेमोन्स के अंदर चले जा रहे थे और सिर्फ उनका पोकेमोन बच रहा था। पिकाचू भी यहाँ पर पहुंच चुका था और लूसी पिकाचू को बताती है कि मियोटू के अंदर क्लिफोर्ड है। इसके बाद पिकाचू को भी बहुत गुस्सा आता है और पिकाचू मियोटू से फाइट लेने के लिए चला जाता है। इधर जब टिम को होश आता है तो उसकी मुलाकात रोजर से होती है। रोजर को यहाँ पर किसी ने कैद करके रखा था और फिर टिम को यहाँ पर मालूम चलता है कि रोजर का कोई डुप्लीकेट है, वही सब कुछ ये कर रहा है। क्लिफोर्ड ने अपने रिसर्च से एक डुप्लीकेट सैंपल को बनाया था और वो सैंपल अपने आकार रूप को किसी के भी रूप में बदल सकती थी। मौका पा करके टिम उसे जहरीली गैस को सुंघा देता है, जिसकी वजह से वो अपने असली रूप में आ जाती है। इधर मियोटू पिकाचू के ऊपर काफी ज्यादा हावी हो रहा था। मियोटू पिकाचू से कहता है कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे, तो पिकाचू कहता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं रहा था, मैं तुम्हारे ध्यान को भटका रहा था। जिसके बाद टिम मौका दे करके क्लिफोर्ड के सर से उस मशीन को हटा देता है, जिससे मियोटू एक बार फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और वो एक बार फिर से पिकाचू की जान को बचा लेता है। पिकाचू को जिंदा देख करके टिम बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे अपना पार्टनर बना लेता है। उसके बाद टिम मियोटू से कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी बुरा हुआ है वो सब ठीक कर दो, जिसके बाद मियोटू सब कुछ ठीक कर देती है। जितने भी इंसान थे वे सभी अपने रूप में आ जाते हैं। रोजर टिम और लूसी से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि इन दोनों ने मिल करके इन सभी का पर्दाफाश किया था। रोजर लूसी से कहता है कि तुम इन सभी को अपने न्यूज रिपोर्टिंग में जरूर छापना। अब यहाँ पर सब कुछ एकदम ठीक हो चुका था, लेकिन टिम को अभी भी उसके पिता नहीं मिले थे, जिसके बाद वो मियोटू से कहता है कि मेरे पिता कहाँ पर हैं। तो मियोटू उसे बताती है कि तुम्हारे पिता हमेशा से तुम्हारे पास ही थे। जब तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ तो मैंने तुम्हारे पिता के शरीर को उनके पोकेमोन्स में डाल दिया था, क्योंकि उनका पोकेमोन ने यह साबित किया था कि हर इंसान बुरा नहीं होता है, हैरी एक अच्छा इंसान था, इसलिए मैंने हैरी को जिंदा रखा और वो अब तुम्हारे पास जरूर आएगा। मूवी के लास्ट में हम देख पाते हैं कि जब टिम अपने शहर वापस जा रहा था तो पिकाचू के साथ उसके पिता भी उसके पास आते हैं। अपने पिता को अपने पास देख करके टिम बहुत ज्यादा खुश था और वो अपने पिता के साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताना चाहता था, इसीलिए टिम अपने शहर जाने से मना कर देता है और वो अपने पिताजी के साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताने के लिए रुक जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।